लर्निंग लाइसेंस व ड्राइविंग लाइसेंस का स्लॉट बुकिंग कैसे करें, जानिए संपूर्ण जानकारी हिंदी में। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका द लवली पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आपको ड्राइविंग लाइसेंस का स्लॉट बुकिंग किस तरीके से करना है। काफ़ी सारा एरर आता है, किसी का नेक्स्ट 30 डे दिखा रहा है, किसी का अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम आ रहा है, काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं आज की वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में सबको सॉल्यूशन करने वाले हैं, किस तरीके से आपको इजीली स्लॉट बुकिंग करना होता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपने द लवली पॉइंट अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो सिंपल से सब्सक्राइब करिए, पास में जो बेल आइकन घंटी सिंपल से ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि अदरवाइज़ हम कोई भी वीडियोस डालते उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले आ सके। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो हमने ये वेबसाइट अपनी डाल रखी है, यहाँ पे पूरा डिटेल आर्टिकल लिख दिया है। सबसे पहले देखो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि कुछ राज्यों में कोरोना काल के समय से आरटीओ में स्लॉट कोटा को काम कम कर दिया है, जिसके चलते अभी कुछ आरटीओ में स्लॉट मिलने की दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसके द्वारा कॉपी को नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि आपके ऐसे कोई आरटीओ में आते हैं जिनका स्लॉट बुकिंग नहीं मिल पा रहा है या बुक नहीं हो पा रहा है, तो आप इस लेख को शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो आप 100% कन्फर्म स्लॉट बुकिंग कर पाएंगे। दोस्तों, लर्निंग लाइसेंस का स्लॉट बुकिंग करना पहले बहुत ही आसान था, अब थोड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस का स्लॉट बुकिंग के टाइम निर्धारित कर दिया है, जिसका आवेदक को काफ़ी इंतजार करना पड़ता है, उसके बावजूद स्लॉट बुकिंग नहीं हो पाता। कुछ लोग तो इसके चक्कर में बुक ही नहीं कर पाते और बुकिंग के टाइम वेबसाइट ही स्लो हो जाती है, जिससे कुछ नहीं होता और निराश होकर अगले दिन का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम्स है स्लॉट बुकिंग, उसके लिए सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस का स्लॉट बुकिंग करने के लिए कुछ ज़रूरी पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, लर्निंग लाइसेंस का स्लॉट बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्मार्टफोन या लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, जिसमें अच्छी इंटरनेट स्पीड आती हो। और साथ ही साथ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर स्लॉट बुकिंग करना चाहते हैं तो वह हैंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्लॉट को कन्फर्म करने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। आपको एक ऐसा फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर लेना है जो हैंग नहीं होता हो। सेकंड पॉइंट, लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेशन में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वह चालू होना चाहिए, जिसके पास मौजूदा होना चाहिए, क्योंकि स्लॉट कन्फर्म के समय जस्ट सबसे पहले OTP वन टाइम पासवर्ड आता है, जिसको वेबसाइट में डालकर कंफर्म किया जाता है। जो OTP आता है उसको आपको बहुत स्पीड से डालना होता है, वो सिम कार्ड आपका चालू होना चाहिए, आपके पास ही होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट दोस्तों, अगर आप इन पर्सन के लर्निंग लाइसेंस के अप्लाई स्लॉट बुकिंग करना चाहते हैं तो उसका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपके पास कुछ मिनट पहले से ही अपने कागज़ पर लिख करके उसको अपने नोटपैड या वर्डपैड में लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा एंड टाइम पे तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, आप स्लॉट बुकिंग 100% कर पाएंगे। ठीक है, आपको लिख लेना है ये चीज़ अपना कहीं रजिस्टर या नोटपैड वगैरह में। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, लर्निंग लाइसेंस का स्लॉट बुकिंग करने के लिए आपके RTO के अनुसार जो भी स्लॉट बुकिंग टाइम है उस टाइम से 2 मिनट पहले ही वेबसाइट पर आना है और स्लॉट बुकिंग करके एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ भर के रिप्लाई कर देना। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे यहाँ जाते हैं दोस्तों, जिस लर्निंग लाइसेंस की स्लॉट बुकिंग करनी हो वो पहले आप सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंक्वायरी जरूर कर लेनी है कि आपको पता चल जाए कि आपकी RTO में स्लॉट बुकिंग है या नहीं है। पहले आपको सारथी परिवहन की वेबसाइट में जा करके स्लॉट इंक्वायरी जरूर करनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्लॉट बुकिंग हमको करना कैसे है। हम दोस्तों इस वीडियो में पूरा आर्टिकल के साथ में दिखाएंगे स्लॉट बुकिंग का पूरा सिस्टम। सबसे पहले जो स्लॉट बुकिंग करनी है हमें सारथी परिवहन की जो वेबसाइट होती है, देखो सारथी परिवहन, यहाँ पे अभी सारथी परिवहन की वेबसाइट आपके सामने फिजिकल में भी लॉगिन करके दिखा देते हैं। जैसे हमने सारथी परिवहन लॉगिन किया, सबसे पहले लॉगिन करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपके स्टेट मांगने का ऑप्शन। सबसे पहले आपका जो भी स्टेट पड़ता है यहाँ पे आपको अपना स्टेट दे देना है। जैसे आप अपना यहाँ पे स्टेट देंगे उसके बाद इस तरीके से जो पोर्टल है वो आगे की तरफ चला जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट मांगने का एप्लीकेशन नंबर की तरह पे देखो अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन, यहाँ पे इसको कटआउट करेंगे अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपॉइंटमेंट पर क्लिक करा उसके बाद ड्राइविंग एंड लर्निंग लाइसेंस ये ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ वेरिफिकेशन कोड डालना होता है। जैसे हम वेरिफिकेशन कोड डालेंगे तो इस तरीके से अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट है तो यहाँ पे मोटरसाइकिल विद गियर ट्रांसपोर्ट आ रहा है, यह लाइट मोटर व्हीकल। अगर आपका लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट है तो कुछ भी नहीं आएगा, प्रोसीड का बटन आएगा, प्रोसीड टू बुक पे आपको क्लिक करना है।
जैसे आप प्रोसीड टू बुक पर करेंगे कैलेंडर आपके सामने ओपन होगा एंड कैलेंडर पर एक कोई भी ग्रीन डेट आपको सेलेक्ट करनी है जिस डेट में आपको RTO जाना ही पड़ेगा। ठीक है, उस डेट को हमने क्लिक करा, उसके बाद बगल में उसके सेम यहाँ पे टाइमिंग का एरो आ जाएगा। यहाँ पे हमको जो भी टाइमिंग चाहिए, सुबह 10 बजे का चाहिए तो यहाँ करेंगे, 12 बजे का चाहिए या 3 बजे का चाहिए, 3 टाइमिंग होते हैं। यहाँ पे जो भी टाइमिंग चाहिए आपको उस पर क्लिक करना है, उसके बाद बुक स्लॉट पर क्लिक करना है। जैसे आप बुक स्लॉट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से एक OTP आएगा, वो OTP आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे आप OTP डाल देंगे तो इस तरीके से 100% आपका जो स्लॉट बुकिंग है ईजिली हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना जो है स्लॉट बुकिंग के बारे में पूरा नॉलेज ले सकते हो और आपको स्लॉट बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेख में आपने जाना लर्निंग लाइसेंस व परमानेंट लाइसेंस की ऑनलाइन बुकिंग कैसे करते हैं। उम्मीद करते कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।